आप अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हमारे को मोबाइल में क्रोम ओपन करना है, क्रोम या कोई सा भी ब्राउज़र, उसमें एप्टॉइड लिखना है और सर्च करना है। ये एक वेबसाइट है, यहाँ से ये एप्टॉइड ऐप हम इंस्टॉल करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड हो जाएगा। एप्टॉइड जो है वो एक तरह से प्ले स्टोर है, यहाँ से हम एक ऐप इंस्टॉल करेंगे, इसलिए पहले इसको एप्टॉइड को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये डाउनलोड हो रहा है। अब मोबाइल में पैकेज इंस्टॉलर से इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल होने के बाद ओपन करेंगे, स्किप करेंगे और ऐप्स में जाके सर्च करेंगे कैपकट। ये ऐप आ जाएगी हमारे सामने, कैपकट वीडियो एडिटर, इसको इंस्टॉल कर देंगे। ओके, अलाउ, और ये डाउनलोड हो जाएगी। ये इंस्टॉल हो जाने के बाद सेटिंग्स में से हमें इसको अलाउ करवाना पड़ेगा और अब इंस्टॉल करेंगे। अब ये इंस्टॉल हो जाएगी इसमें। अब यहाँ से हम बाहर चले जाएंगे, प्ले स्टोर में जाएंगे, एक VPN ऐप इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि ये जो है ऐप इंडिया में ये नहीं चलती है, इसलिए हमको एक VPN लेके और VPN से सिक्योर सर्विस लेके हमको उसको चलाना पड़ेगा। इंस्टॉल कर दी हमने टर्बो VPN। इंस्टॉल होने के बाद ओपन करेंगे, ये सब स्किप कर देंगे हम, कनेक्ट करेंगे, टैप करेंगे बीच में, ओके, कनेक्टिंग, और ये कनेक्टेड हो गया US से। ठीक है, अब हम कैपकट ऐप में जाएंगे, ओपन करेंगे इसको, न्यू प्रोजेक्ट करेंगे, अलाउ करेंगे, और हमारे जो भी फ़ोटोज़ हैं जिसको हमको एडिट करना है वीडियो में, जूम इफ़ेक्ट जिसमें डालना है वो हम सेलेक्ट करेंगे फ़ोटोज़। हम 3 फोटोज रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं। ऐड करेंगे, उसके बाद इस फोटो को सेलेक्ट कर लेंगे, 1 2 3, और ये जो लास्ट में कैपकट का लोगो है इसको हटा देंगे। उसके बाद एक क्लिप को सेलेक्ट करके स्टाइल में जाएंगे, अलाउ करेंगे, इसमें इंटरनेट ऑन होना चाहिए, 3D जूम वाला इफ़ेक्ट हम लेंगे और ये जनरेट हो जाएगा। आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए, इसमें अच्छा इंटरनेट होना चाहिए, तभी आपका काम फास्ट होगा। ये देखिए, ये ऐसे चलता हुआ वीडियो आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम यही ट्रांजिशन तीनों में इंस्टॉल करेंगे, ये ट्रांजिशन हम तीनों क्लिप्स में लगाएंगे। ये ट्रांजिशन हम तीनों क्लिप्स में लगाएंगे। थ्री डी जूम करेंगे,
ये इसके बाद हम इसमें एक म्यूज़िक ऐड करेंगे, जो भी आप ट्रांजिशन लगाना चाहें आप लगा सकते हैं आपके हिसाब से। एक म्यूज़िक सेलेक्ट करेंगे हम, साउंड में जाके रॉक साउंड, उसमें से न्यू किक्स करके एक साउंड है, ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये से सेलेक्ट कर लिया, टाइमलाइन में आ गया ये। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हटा देंगे स्प्लिट करके। इसमें फेड दे देंगे, फेड इन और फेड आउट, ताकि ये आवाज़ जहाँ से चालू हो रही है और जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ फेड हो। ये बन गई है हमारी। अच्छा, अब इसको एक्सपोर्ट करेंगे हम रिजोल्यूशन 1080 पिक्सल में 30 फ्रेम्स पर, और ये एक्सपोर्ट हो गई। अब इसको हम कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, गैलरी में से देखेंगे हम, गैलरी में भी सेव हो गया होगा, कैमरा वाले फोल्डर में ये सेव हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये हमारा फाइनल आउटपुट है। मेरा इंस्टाग्राम है vineet_portraits, आप मुझे वहाँ फॉलो कीजिए, और मेरे जो भी फोटोग्राफ्स हैं वहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ। एडिटिंग से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर कीजिएगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइए। कोई भी क्यूरी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, और भी एडिटिंग के ट्यूटोरियल मैं लेकर आऊँगा आपके लिए, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।